बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मारिया नौशीन। सब्जेक्ट इज कंप्यूटर साइंस, चैप्टर नंबर 1, लेसन नंबर 8, ग्रेड 6। एज यू नो, वी आर फॉलोइंग ऑनलाइन विद कंप्यूटर्स सीरीज। तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चेक क्वेश्चंस 1 to 6 किए थे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर डी, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 to क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट की तरफ जाते हैं जहाँ पे हमने इसके आंसर्स राइट किए हुए हैं। सो इसको देख लेते हैं। ई लर्निंग क्या है? ई लर्निंग मीन्स यूज ऑफ इंटरनेट इन टीचिंग एंड लर्निंग। यूज ऑफ इंटरनेट इन टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए टीचिंग या लर्निंग करें तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप कहेंगे ई लर्निंग। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है जी, वो है सर्च इंजन। व्हाट इज सर्च इंजन? सर्च इंजन का क्या यूज है और क्या पर्पस है जी? सर्च इंजन इज यूज टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, फॉर एग्जाम्पल गूगल। तो सर्च इंजन आपके पास इंफॉर्मेशन को वर्ल्ड वाइड वेब से सर्च करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि इंटरनेट से अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप सर्च इंजन यानी गूगल का इस्तेमाल करते हैं। तो सर्च इंजन सिर्फ गूगल नहीं है, बिंग भी है और याहू भी सर्च इंजन में ही आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या करता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर रेफर्स टू द एड्रेस ऑफ वेब पेज और वेबसाइट। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपकी वेबसाइट या वेब एड्रेस के वेबसाइट या वेब पेज के एड्रेस को शो करने के लिए यूज होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के एडवांटेजेस क्या हैं? या आप ये भी कह सकते हैं कि इंटरनेट के एडवांटेजेस में कि आप इंटरनेट के यूजेस के बारे में बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, हमारे लिए कहाँ कहाँ बेनिफिशियल है इंटरनेट। आप गेम्स खेल सकते हैं, प्ले गेम्स, रीड बुक्स, डाउनलोड सॉन्ग्स। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं इंटरनेट को यूज करते हुए, आप ई बैंकिंग कर सकते हैं। हमने देखा था एडवर्टाइजमेंट में भी यूज होता था इंटरनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इंटरनेट सर्विसेज, यानी कि इंटरनेट हमारे किस किस काम आता है, इंटरनेट यूजर को क्या क्या सर्विसेज देता है। इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड्स अ वे फॉर डेटा टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंटरनेट सर्वर्स टू योर कंप्यूटर। ठीक है, इंटरनेट सर्विस जो है वो एक ऐसा रास्ता होता है जिससे आप डेटा को इंटरनेट से, इंटरनेट सर्वर से कंप्यूटर पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। यानी इंटरनेट सर्विस एक ऐसा रास्ता आपको फराहम करता है जिससे आप इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है हमारे लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरनेट, सॉरी कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट सर्विस, इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर जो कि है डायलर सॉफ्टवेयर एंड TCP/IP नेटवर्क सॉफ्टवेयर। तो हम इसको बहुत डिटेल में लेक्चर में कर चुके हैं डिस्कस के डायलर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और TCP/IP नेटवर्क सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप लेक्चर ले सकते हैं जिसमें इसको डिटेल से हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो रिमेनिंग हमारी एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट लेक्चर में उसे कवर करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।